कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के कल शिवपुरी दौरे से पहले नगर पालिका अध्यक्ष समेत 17 पार्षदों के इस्तीफा देने की पेशकश ने शिवपुरी में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बुधवार को पूरे दिन सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल देखने को नजर आया। वहीं एक और जहां 5 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मेडिकल कॉलेज के पास बने नवनिर्मित पाम टी पार्क और कैलाशवासी अम्मा महाराज राजमाता विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण को भव्य बनाने के लिए भाजपा नेता तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका शिवपुरी में भाजपा पार्षदों द्वारा सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय में इस्तीफे सौंपने की खबर मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो के अनुसार भाजपा पार्षद कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से पुनः शिवपुरी से विधानसभा चुनाव डलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पिछले दिनों स्वास्थ्य कारणों की वजह से विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पार्षद इस्तीफे की नौटंकी कर रहे हैं कि हकीकत में सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय से इनके इस्तीफे नगर पालिका सीएमओ कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे।